नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास है और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं जो लोन ऐप से प्रताड़ित हैं या परेशान हैं उनको राहत जरूर मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे आपने आज का थंबनेल देखा कि अब इस मुहिम में आज तक ने भी, जो आज तक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसने भी इनिशिएटिव ले लिया है और आज तक में न्यूज चलाई गई है कि उसमें आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेताया है, लोगों को वार्निंग दी है कि ये ऑनलाइन जो ऐप्स हैं जो पैसा देती हैं इंस्टेंट, उनसे दूर रहें और उनसे बहुत सावधान रहें। हालांकि आपको मालूम है कि जो आंध्र प्रदेश के, जो वहाँ के हैदराबाद के जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं मिस्टर मोहंती, उन्होंने ऑलरेडी इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। जब 3 लोगों ने सुसाइड किया जिसमें कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेडी भी थी और एक स्टूडेंट था, तो इसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और अब इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो न्यूज़ चैनल हैं बड़े बड़े जी बिजनेस ने ऑलरेडी काफ़ी पहले मुहिम चलाई थी पर उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। पर अब ये आज तक में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें आरबीआई ने भी अब एक्शन लिया है और आरबीआई ने कहा है कि हम पहचान कर रहे हैं ऐसी फर्जी लोन ऐप्स का और आरबीआई के डायरेक्शन के, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 158 लोन ऐप्स को बैन करने की डिमांड की गई है और उन्होंने बोला है अपने बिजनेस डिपार्टमेंट को उसको चेक करिए और जो 158 है इसमें से कौन कौन सी जो ऐप्स हैं उन सबको बंद किया जाना चाहिए और इनका लाइसेंस छीनना चाहिए। आपको बता दूँ, गए महीने हैदराबाद में और गुड़गांव में रेड पड़ी थी जिसमें कि एक एक ऑफिस से यकीन माने 36-36 लोन ऐप चलाई जा रही थी, जिसमें एक इंजीनियर जो मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार किया गया जो फॉरेन से पढ़ के आया था। यानी आप सोच सकते हैं यार कि कितने पढ़े पढ़े एजुकेटेड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कितना बड़ा ये गोरख धंधा चल रहा है जो कुछ समय के लिए लोन देते हैं फिर वो हरास किया जाता है। तो गाइज अब धीरे धीरे इस पर लगाम लग रही है और जो काफ़ी ऐप्स हैं जो बंद हो चुकी हैं और यकीन मानिए जो आने वाली 158 ऐप्स हैं इसमें भी बंद होंगी। तो यदि आपका पैसा उसमें फंसा है तो आपको भी उससे निजात मिल जाएगी यदि आपको वो हरास कर रहे हैं। इसके बीच जब खबर आती है कि दोस्तों ये जो आप जो गवर्नमेंट ने 150 आरबीआई ने 158 ऐप को बैन करने का जो फैसला लिया है, इसके बाद जो न्यूज़ चैनल और आरबीआई ने और जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसमें इंटरफियर किया है, तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो अब अपनी हरकतों से बाज आ रही हैं और काफ़ी समय के लिए अंडरग्राउंड हो गई हैं। तो हो सकता है हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं जिनका उनको फ़ोन आना अचानक से बंद हो गया है, तो यकीन मानिए आपकी जिस लोन ऐप्स लिया है आपने, जिससे हो सकता है 158 ऐप्स में उसका भी एक नाम हो। हालांकि यहाँ 158 ऐप्स कौन सी है उसमें पूरा भी क्लैरिटी नहीं है, पूरी लिस्ट नहीं आई है, परंतु लोन मंत्री चैनल जो है सबसे पहले आपको बताएगा कि 158 जो ऐप्स हैं उसमें पूरा नाम आपको उसमें डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के आपको दूंगा। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था, सोचा आपको दे दूं। तो अब आपके फिक्र के, आपके टेंशन के दिन जाने वाले हैं और हम यूट्यूबर्स और हमारे जैसे और जो यूट्यूब फैमिली है, न्यूज़ चैनल्स हैं और जो आवाज़ उठाते हैं उनकी जो मीम है जल्दी रंग लाएगी। तो दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चैन की सांस लीजिए और अब सबक सिखाएंगे हम सब मिलके इन ऑनलाइन ऐप्स को। जय हिंद, वंदे मातरम।